सक्सेस जान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको यूपी ट्रिपलसी पीटी ही नहीं जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम हैं उसके नज़रिए से 15 हिस्ट्री के महत्वपूर्ण जीके प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा और बार बार परीक्षाओं में भी रिपीट हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना प्रश्न। तो आपका पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन है आपका दयाराम साहनी, बी आपका राखल दास बनर्जी, सी आपका एम वत्स या फिर ऑप्शन डी कोई अन्य। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी आपके दयाराम साहनी ने। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कब किया था? सन 1921 में। इसको भी आप नोट कर लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, उनका नाम क्या था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है बिंदुसार, बी आपका है अशोक, सी आपका चंद्रगुप्त मौर्य या फिर ऑप्शन डी कोई अन्य। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपका, तराइन का प्रथम युद्ध जो सन 1191 में लड़ी गई थी किसके मध्य लड़ा गया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है मोहम्मद गौरी और भीम, बी आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, सी आपका मोहम्मद गौरी और जय सिंह या फिर ऑप्शन डी आपका मोहम्मद गौरी और अजय पाल। तो जो तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, यह आपका लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न आपका, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया किसने? ऑप्शन है मुर्शिद कुली खां, बी आपका सादत खां, सी आपका सरफराज खां या फिर ऑप्शन डी आपका अन्य। तो बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था मुर्शिद कुली खां ने। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। पांचवा प्रश्न आपका, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? आपके ऑप्शन दिएगा, ऑप्शन 1853 ईस्वी में, बी आपका 1856 ईस्वी में, सी आपका 1863 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी आपका 1865 ईस्वी में। तो विधवा पुनर्विवाह कानून आपका लाया गया था सन 1856 में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। छठा प्रश्न आपका, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज्य करो की नीति कब अपनाई? ऑप्शन है आपका 1877 ईस्वी में, बी आपका 1833 ईस्वी में, सी आपका 1858 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी 1799 ईस्वी में। तो फूट डालो राज करो नीति अपनाई गई थी सन 1858 ईस्वी में। सी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। सातवां प्रश्न आपका, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? ऑप्शन है आपका 4 वर्ष, बी आपका 7 वर्ष, सी आपका 2 वर्ष या फिर ऑप्शन डी आपका 10 वर्ष। तो जो इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था यह आपका चला था पूरे 7 वर्षों तक। तो बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। जितने भी प्रश्न हैं परीक्षा में बार बार रिपीट भी हुए हैं, कोई भी प्रश्न आप ऐसा नहीं कर सकते कि महत्वपूर्ण न हो। आठवां प्रश्न आपका, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? ऑप्शन है आपका पश्चिम एशिया से, बी आपका पूर्व एशिया से, सी आपका केंद्रीय एशिया से या फिर ऑप्शन डी दक्षिण एशिया से। तो जो आर्य भारत में आए थे ये आपके आए थे केंद्रीय एशिया से। सी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। नवा प्रश्न आपका, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? ऑप्शन है सिंधु घाटी अवधि में, बी आपका द्रविड़ अवधि में, सी आपका वैदिक अवधि में या फिर ऑप्शन डी इज आर्य अवधि में। तो जो रामायण महाभारत की रचना हुई थी यह आपकी हुई थी आर्य अवधि में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न।
दसवां प्रश्न आपका, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? ए ऑप्शन आपका हर्षवर्धन, बी आपका चंद्रगुप्त, सी आपका समुद्रगुप्त, या फिर ऑप्शन डी इज ब्रह्मगुप्त। तो गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? काफ़ी इजी प्रश्न है, ये आपका किया गया था चंद्रगुप्त द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। ग्यारहवां प्रश्न आपका, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन ए वैम खान और हेमू, बी आपका अकबर और मिर्जा हकीम, सी आपका अकबर और वैम खान, या फिर ऑप्शन डी अकबर और राणा प्रताप। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी वैरम खान और हेमू के बीच। यहाँ पर वैरम होगा वैरम खान और हेमू के बीच। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कब लड़ी गई थी? तो 1556 में। वैरम खान अकबर का सेनापति था और विजेता भी बैरम खान ही था, इस बात को आप नोट कर लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न। बारहवां प्रश्न आपका है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? ए ऑप्शन आपका अफगानिस्तान, बी आपका है इराक, सी आपका है परेशिया, या फिर ऑप्शन डी तुर्की। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान। देखते हैं अगला प्रश्न। तेरहवां प्रश्न आपका, मस्तानी किस शासक की प्रेसी थी, मतलब मस्तानी किस शासक की प्रेमिका थी? ऑप्शन नंबर ए बाजीराव पेशवा, बी आपका नाना साहब, सी आपका साहू महाराज, या फिर ऑप्शन डी शेरशाह। तो मस्तानी जो थी वो आपकी बाजीराव पेशवा की प्रेमिका थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। चौदहवां प्रश्न आपका है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? ऑप्शन ए आपका है बाबर, बी आपका है खिलजी, सी आपका है तुगलक, या फिर ऑप्शन डी आपका है चंगेज खान। तो बिहार प्रदेश को सबसे पहले खिलजी ने जीता था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। पंद्रहवां प्रश्न आपका, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए मद्रास, बी आपका है कलकत्ता, सी आपका है मुंबई, या फिर ऑप्शन डी सूरत। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सूरत। सर्वप्रथम मुगल काल में अंग्रेजों ने सूरत में कारखाना स्थापित किया था। तो ये रहा महत्वपूर्ण 15 हिस्ट्री के जी के क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।